हेलो एवरीवन, हमारे सामने एच सी वर्मा के चैप्टर टू से क्वेश्चन नंबर एट है। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पढ़ते वक्त, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है बस इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व कैसे होगा इसके बारे में फिर बाद में सोचते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A carom board 4 feet into 4 feet square has the queen at the center. मतलब एक कैरम बोर्ड है जो कि कैरम बोर्ड के शेप का होता है, स्क्वायर शेप का ही होता है। तो उसका डायमेंशन दिया लेंथ 4 feet, ब्रिथ 4 feet, ठीक है। हैज़ द क्वीन एट द सेंटर, उसके सेंटर पे क्वीन रखा हुआ है। द क्वीन हिट बाई द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एड्स, है ना, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। द क्वीन हिट बाई द स्ट्राइकर, क्वीन हिट बाई द स्ट्राइकर, द क्वीन जो कि स्ट्राइकर के द्वारा हिट होता है, मूव्स टू द फ्रंट एज, वो सामने वाले एज की तरफ मूव करता है, रिबाउंड्स रिबाउंड करता है, एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, और फिर उसके बाद वो स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे वो क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कुछ है तो मैं बता दूँ, एक ढक्कन ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपके लिए एक कैरम बोर्ड बनाया है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि आप मान लीजिए कि एक क्वीन है, ऐसे क्वीन रेड कलर का होता है, पर मेरे पास अभी फिलहाल रेड ढक्कन नहीं दिख रहा, तो मैं इसी ग्रीन को क्वीन बना दिया। तो ये आपका क्वीन है, ठीक है, स्ट्राइकर इसको हिट करता है, फिर ये क्वीन क्या होता है, सामने वाले एड के पास जाता है, उससे टकराता है, और टकराने के बाद इस होल में चला जाता है। समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि क्वीन जो कि स्ट्राइकर के द्वारा हिट होता है मूव्स टू द फ्रंट एज, वो सामने वाले एड्स के पास जाता है, ठीक है, फिर रिबाउंड रिबाउंड करता है एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। ये आपका स्ट्राइकिंग लाइन था, आपने यहीं से स्ट्राइकर को मारा था जो जाके क्वीन से टकराया था, तो इस स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे जो होल है उसमें जाके वो गिर जाता है, ठीक है। अब तक की कहानी समझ में आ गई, तो फिर देखते आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। किसका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, यानी क्वीन का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। क्वीन के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, यानी आपको क्वीन के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड किसका, तो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसके डिस्प्लेसमेंट का, तो ऑफ द क्वीन, जिसके पहले ऑफ लगा रहेगा ना उसका हो जाएगा, जैसे ऑफ दिस स्कूल, ऑफ दिस विलेज, तो वैसे ही मैग्नीट्यूड किसका, तो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का, किसके डिस्प्लेसमेंट का, तो ऑफ द क्वीन, यानी क्वीन के, तो क्वीन के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ए में कह रहा है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, यानी जो सेंटर है बोर्ड का उससे फ्रंट एज तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले तो उस वो फाइंड करना है। फिर कह रहा है कि फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फिर आपको उस फ्रंट एज से होल तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करना है। एंड फिर कह रहा है सी में कह रहा है कि फ्रॉम सेंटर टू द होल, और फिर जो सेंटर है और जो आपका होल है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि अ कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4 फीट स्क्वायर, मतलब एक कैरम बोर्ड है जो 4 फीट इंटू 4 फीट साइज का है, स्क्वायर शेप में है, हैज द क्वीन, क्वीन है उसके पास, एट द सेंटर, मतलब उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे क्वीन रखा हुआ है। द क्वीन यानी समझते हो, क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, यानी कौन सा क्वीन जो कि स्ट्राइकर से हिट होता है, मतलब क्वीन सेंटर पे है, आप स्ट्राइकर को ऐसे मार रहे हो, स्ट्राइकर जाता है, क्वीन से टकराता है, तो द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर, यानी क्वीन जो कि स्ट्राइकर के द्वारा हिट होता है वो मूव करता है ना। स्ट्राइकर की बात नहीं हो रही, बात क्वीन की हो रही है कि क्वीन मूव्स, है ना, क्वीन मूव्स, बीच में आ गया क्या, हिट बाय स्ट्राइकर, द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, वो क्वीन फ्रंट एज पे जाती है, रीबाउंड वापस रिबाउंड करती है, मतलब लौटती है, एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, और जो स्ट्राइकिंग लाइन है उसके पीछे जो होल है उसमें चली जाती है, सेंटर से वो एड्स पे जाती है और फिर स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे वाले होल में चली जाती है।
कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. किसका डिस्प्लेसमेंट? तो ऑफ द क्वीन. कौन सा डिस्प्लेसमेंट? तो कह रहा है कि फ्रॉम सेंटर टू फ्रॉम फ्रंट एज, यानी सेंटर से फ्रंट एज तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फाइंड करना है. फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, फ्रंट एज से होल तक का. एंड सी में कह रहा है कि फ्रॉम सेंटर टू होल, यानी सेंटर से होल तक का. ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, अब सॉल्व करने की सोचते हैं. ठीक है, ओके. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका वो सेंटर है और ये आपका ये फ्रंट एज है. क्वीन आपका सेंटर से फ्रंट एज के पास गया और फिर फ्रंट एज से स्ट्राइकिंग लाइन है उसके पीछे जो होल बना हुआ है आपका वहाँ आ गया. ठीक है, तो कुछ ऐसा ही क्वीन की जर्नी है. ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि इस क्वीन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज, मतलब ये वाला. ठीक है, ये लेंथ आपको फाइंड करना है. फिर बी में कह रहा है कि फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, कि फ्रंट एज से होल तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपको ये वाली लंबाई फाइंड करनी है. ठीक है, ये वाली लेंथ. और सी में कह रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है फ्रॉम सेंटर टू होल, मतलब सेंटर टू होल का मतलब हुआ ये वाली. ठीक है, ये वाले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है. ओके, तो ये तीनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है ना. ये जो तीनों दिख रहा है इसका लेंथ फाइंड करना है. कैसे फाइंड होगा? ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको सोचते हैं पहले. तो सबसे पहले तो डायमेंशंस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि ये जो कैरम बोर्ड है ये 4 feet, ठीक है, इंटू 4 feet साइज का है. ठीक है, ये दे रखा है हमको. ओके, इसका डायमेंशन हमें पता है कि लेंथ और ब्रिथ 4 feet है. ये सेंटर, और अगर मैं यहाँ पे सीधा एक ऐसी लाइन खींचूँ जो कि एड्स के पैरेलल है, सेंटर से पास करता हुआ, तो फिर ये साइड को क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा. तो फिर यहाँ से ले के यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो पूरी लेंथ की आधी होगी, राइट. तो ये आपका है 2 feet. ठीक है, अच्छा, ये स्ट्राइकर कह रहे हैं क्वीन फ्रंट एज से टकरा के ऐसे लौटता है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है क्वीन का फ्रंट एज से, है ना. तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो यहाँ भी फॉलो होगा. ठीक है, क्या है था, याद करो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था. ठीक है, लाइट जो लाइट कौन सा लॉ फॉलो करती है, लाइट जिस लॉ को फॉलो करेगी ये क्वीन भी उसी लॉ को फॉलो करेगा. ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि लाइट जैसे आती है और फिर ये चली जाती है. ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, राइट. और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे. ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है. और यहाँ पे आप एक डालते हो नॉर्मल, है ना, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर. तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है. फिर आप इस वाले एंगल को बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से लिखते हो. और फिर ये वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आप आर से लिखते हो, है ना. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो ये लॉ, ये आपका क्वीन जो है ना, ये भी फॉलो करेगा. क्वीन भी गया, टकराया और ऐसे आया है, तो ये भी जो लॉ है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, तो हमारा क्वीन भी इस लॉ को पक्का क्या करने वाला है, फॉलो करने वाला है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, है ना. तो ये नॉर्मल जो है ये क्या बता रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला एंगल, इसको आप आई कह दो. और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम हो गया, है ना. मैंने ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, वरना आपको फिगर में भी दिखता कि यहाँ दोनों सेम है. ठीक है,
तो ये आपका ये आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दोनों एंगल रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से सेम है। अब कैसे हमें तो फिलहाल ये तीनों लेंथ फाइंड करने हैं ना, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या हुआ है बस इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, और उसी से रास्ता निकल के आएगा कि आखिर ये लेंथ हमको कैसे मिल सकता है, ठीक है। अच्छा चलो, हमें ये पूरा लेंथ तो पता है कि 2 फीट का है, लेकिन इसमें ये कितना है, ये कितना है तो नहीं पता है ना। अच्छा ये जो लेंथ है ये तो आधा ही है ना, सेंटर से एक एज तक जो लेंथ गया है, और ये आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, एकदम पैरेलल आपने ड्रॉ किया है इसके, तो ये तो बिल्कुल आधा होगा। तो इसकी लंबाई तो मुझे पता है कि हाँ ये कितना है, 2 फीट, राइट। मुझे ये वाला लेंथ तो मालूम है ना कि 2 फीट है। मैं इसका नाम रख दूँ सब चीज़ का, ठीक है, ताकि आपको कॉल करने बनेगा कि कौन क्या है। इसका नाम आप ओ दे दीजिए, इसका ए, इसका बी, आई थिंक इसका सी दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, एम दे दीजिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे OA पता है कि ये 2 फीट है, ये पूरा AC पता है, मैं इसको रख देता हूँ, मुझे पूरा ये AC पता है कि 2 फीट का है, मुझे ये पता है कि ये I और R जो भी एंगल है वो सेम होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम है, मुझे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और मुझे ना ये OB फाइंड करना है, ठीक है, ये फिर BD भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, कोई तरीका, कोई तो तरीका होगा, नहीं, अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये पूरा ये इस ट्रायंगल में ये पूरा लेंथ तो पता है कि हाँ ये कितना है, 4 फीट का है ना। इस लेंथ के लिए अगर मुझे AB पता चल जाए, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है ना OAB, तो इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये OAB जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें अगर मुझे AB पता चल जाए तो मैं OB को फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे BC पता चल गया, ठीक है, BC पता चल गया तो मैं BD को फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, क्या है मेरे पास, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है, ठीक है। क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, तो उसमें जो सब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, जिसको आप हाइपोटेनस कहते हो, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इनमें से अगर आप किसी को पी किसी को बी कह दो तो यहाँ रिलेशन आता है h² = p² + b² और इस तीनों साइड में से अगर कोई दो साइड पता है मुझे, मान लो h b पता है, तो फिर इसमें इस इक्वेशन में उनकी वैल्यूज रख के p को फाइंड किया जा सकता है। अगर p और b पता है तो h फाइंड किया जा सकता है, और अगर h और p पता है तो फिर b को फाइंड किया जा सकता है ना। तो ये रिलेशन जो है वो है हमारे पास, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे ये तो पता है कि ये 2 फीट का है AO, पर AB नहीं पता। काश अगर AB पता होता तो मैं इस OB को बता सकता हूँ, है ना। OB मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट एज, तो ये पता चल जाएगा। फिर मुझे BD फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, है ना। तो इसके लिए मुझे इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बन रहा है BCD, इसमें अगर BC पता चल जाए, बिकॉज CD तो पता है ही, तो फिर मुझे BD जो है वो मालूम चल जाएगा। और फिर रही बात OD की, है ना, तो OD आपका क्या है बताओ। OD तो बहुत आसान है, आप ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ फ्रॉम सेंटर टू व्हाट, होल, सेंटर टू होल डिस्प्लेसमेंट ही है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक सीधी लाइन खींचते हैं, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डिस्प्लेसमेंट का मुझे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, अब पूछो कैसे। तो ये जो है ना, ये पूरा डायगोनल का ना आधा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का जो जवाब है वो आसानी से दिया जा सकता है, बिकॉज ठीक है, एक मिनट,
है ना, ये पूरा का पूरा जो डायगोनल ऐसे बन रहा है उसका ये आधा है, ठीक है, समझ लो। और स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, क्या पता होता है बताओ, रूट टू ए कितना होता है, रूट टू इंटू ए, मतलब रूट टू इंटू भुजा, और उसका ये आधा है तो रूट टू ए बाई टू है ना, यानी रूट टू ए कितना हुआ, ए आपका हो गया साइड दे रखा है 4 फिट, तो रूट टू इंटू फोर 4 फिट, 4 फिट बाई टू, और आई थिंक ये कट गया 2 से, तो फिर सीधा सीधा 2√2 फिट। तो थर्ड क्वेश्चन का जो जवाब है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएं फ्रॉम सेंटर टू होल, वो तो आसान था, सबसे आसान था, ठीक है, कि पूरा जो यहाँ से यहाँ जो डायगोनल बन रहा है स्क्वायर का, उसका ये हाफ लेंथ है, ठीक है, तो डायगोनल का लेंथ रूट टू ए, उसका मैंने हाफ किया और मुझे आंसर आ गया 2√2 फिट। तो वो तो बहुत ही आसान था, तो मैंने सी का जवाब तो पहले ही दे दिया कि मुझे ओडी मिल गई, ठीक है, ओडी क्या है, हाफ डायगोनल है ना, आधा डायगोनल है, वो बहुत ही आसान था, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो पता करना है मुझे, है ना, ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि ए बी और बी सी पता चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी काम करते हैं हम लोग, ठीक है, हम ना क्या करते हैं कि ए बी को मान लेते हैं एक्स, अगर मैं ए बी को एक्स मान लूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 2 - x, मतलब मैं फिट में ही मान लूँ ये एक्स फिट है और ये 2 - x फिट है, ठीक है, तो अगर ये x फिट है पूरा 2 फिट है तो इतना क्या हो जाएगा 2 - x फिट, राइट। अब मैं काम करता हूँ, मैं क्या करूँ, कौन सा कंसेप्ट लगा दूँ, ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, है ना, और फिर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, कैसे कह रहा हूं मैं, पैरेलल साइड्स, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स, इक्वल, पढ़ा है ना हमने कि अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल हो, तो जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये फिर ये नॉर्मल है और ये भी तो नॉर्मल है ना, तो दोनों आपस में पैरेलल हुए ना, और फिर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है आपका OB, तो फिर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, है ना, तो फिर ये बराबर होंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और वैसे ही ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल का काम करें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी आपके सेम होंगे, है कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ से इस ट्रायंगल से साइन कॉस टैन कुछ निकाल सकता हूँ, है ना, टैन निकाल सकता हूँ, है ना, टैन निकाल सकता हूँ, थीटा के सामने वाला पता है मुझे एक्स और बगल वाला पता है, निकाल सकता हूँ ना, और इस ट्रायंगल से भी तो टैन निकाल सकता हूँ, टैन थीटा, इस ट्रायंगल से मैंने टैन थीटा निकाला, इस ट्रायंगल से भी तो टैन थीटा निकाल सकता हूँ, है ना, क्या आएगा बताओ, सामने वाला यानी 2 - x फिट बट्टा बगल वाला यानी 4 फिट, दोनों से मैं टैन थीटा निकाल सकता हूँ, पर दोनों थीटा का ही टैन है तो आपस में क्या होगा, सेम होगा, है ना, इससे जो टैन थीटा निकल के आएगी, इससे जो टैन थीटा निकल के आएगी सेम होनी चाहिए ना, बिकॉज एक एंगल का टैन की दो वैल्यू तो नहीं होगी ना, ठीक है, चाहे जिस ट्रायंगल से निकाले, तो दोनों सेम होना चाहिए, और अगर मैं उन दोनों को सेम लिखूं, एक तो इस ट्रायंगल से आया टैन थीटा और इस ट्रायंगल से आया टैन थीटा को, मतलब बराबर के एक तरफ मैं यहाँ से निकला हुआ टैन थीटा लिख दूं और बराबर के दूसरे तरफ इस ट्रायंगल से निकला हुआ टैन थीटा निकलूं, तो दोनों एक इक्वेशन बन जाएगा ना, नहीं, और फिर उस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो फिर मुझे एक्स का मान मिल जाएगा, एक बार एक्स मिल गया मैं पाइथागोरस लगा के ओ बी और बी डी दोनों को फाइंड कर सकता हूँ, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, है ना, हमारी प्लानिंग क्या है कि हम इस ट्रायंगल से टैन थीटा निकालेंगे, इस ट्रायंगल से टैन थीटा निकालेंगे, बराबर का साइन देंगे, यहाँ पे एक तरफ इधर से आया हुआ वैल्यू रखेंगे, एक तरफ इससे आया हुआ वैल्यू रखेंगे,
बीच में बराबर का साइन होगा, है ना, एक इक्वेशन बन जाएगा एक्स में, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म में आ रही है, इससे भी जो टेन थीटा आ रही है वो एक्स के ही टर्म में आ रही है, तो एक्स में एक इक्वेशन बन जाएगा और उसको सॉल्व करके हम एक्स का मान फाइंड कर लेंगे। एक बार एक्स मिल गया तो फिर मुझे ये लेंथ भी पता है और ये लेंथ भी पता है, फिर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के वो भी फाइंड कर लूँगा, ठीक है, मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और फिर इस ट्रायंगल्स में फिर पाइथागोरस लगा के मैं बी डी फाइंड कर लूँगा, मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चलिए अब फटाफट काम पे लग जाते हैं, है ना। तो पहले ट्रायंगल से टेन थीटा बताओ क्या आया, पहले ट्रायंगल से जो टेन थीटा आया है पर देख लो यहाँ पे, रुको, चलिए तो फिर हम सारी प्लानिंग हमारी हो चुकी हुई है, कैसे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये पूरा हम लोग प्लान कर चुके हैं, तो अब हम लोग सीधा सीधा अपने प्लान को एक्सक्यूट करते हैं, है ना। तो पहले वाले ट्रायंगल से यानी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, हमने निकाला टेन थीटा, कितना आया एक्स, ये सामने वाला है, नहीं एक्स बटा बगल वाला, टेंट की वह होती है सामने वाला बटा बगल, सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बगल वाले को बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो सामने है आपका एक्स फीट और बगल में है टू फीट, तो टेंट हीट आर एक्स बाई टू, फिर आप चले जाइए इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला बी सी डी, है ना, बी सी डी में यहाँ से आप निकालिए टेंट हीटा, तो यहाँ से टेंट हीट आ रहा है आपका बी सी बटा सी डी, मतलब सामने वाला बटा बगल वाला, सामने आपका 2 माइनस एक्स है, बगल में 4 फीट है, तो 2 माइनस एक्स बाई 4, दोनों टेन थीटा की ही वैल्यू है तो आपस में जरूर सेम होने चाहिए, है ना। तो फिर मेरे पास आ गया एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4, जिसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से ये यहाँ चला जाएगा, 2x बराबर 2 माइनस एक्स, यानी 2x, इस माइनस एक्स को इधर ले आइए, तो प्लस एक्स इक्वल टू 2, दैट इज 3x इक्वल टू 2, यानी मुझे x की वैल्यू मिल गई 2/3, ठीक है। अब x मिल गया तो फिर मुझे ये भी पता चल गया नहीं कि ये 2/3 है, और फिर 2 में से घटा दीजिए 2 माइनस 2/3, तो आपको BC भी पता चल जाएगा, है ना, और फिर लगा दीजिए पाइथागोरस ABO में, नहीं और इस BCD ट्रायंगल में लगा के पता कर लीजिए क्या है आपका OB, क्या है आपका BD, कर सकते हैं ना पता, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था, ABO, ठीक है, ABO में तो इन ट्रायंगल ABO, ठीक है, क्या लॉ लगेगा कि OB स्क्वायर बराबर, OB हाइपोटेनस की जगह पे है, OB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, तो OB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AO कितना था याद है, काला है ना, भी AO 2 फीट है और ये आपका x है, तो मतलब 2/3 है, राइट, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, और ये हो गया 4/9, 9 4 जा 36 प्लस 4 यानी 40/9 फिट, ठीक है, ये OB स्क्वायर आ गया, फिट स्क्वायर में आएगा, सॉरी फिट नहीं आएगा, ठीक है, फिट स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, तो फिर जो OB की वैल्यू आ गई वो हो गई रूट अंडर 40/9 फिट, है ना, 40 4 × 10, तो आई थिंक ये आपका हो गया, इसे 4 × 10 लिख सकते हैं, 4 × 10/9 फिट स्क्वायर है, सॉरी, तो
कितना हो जाएगा, 4 के जगह 2 बार हो जाएगा, 9 के जगह 3 बार हो जाएगा, और 10 बेचारा रूट के अंदर फंसा हुआ रहेगा, राइट। तो 2/3 रूट 10 फिट, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, ओबी की। ये मेरा आपका पहला जो सवाल था कि सेंटर से एज तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करें, ठीक है। सेंटर से एज तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम ये फाइंड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसमें एज से आपका होल तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो फिर उसके लिए हमको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा बी सी डी में। बी सी कितना है, बी सी आपका है, ठीक है, बी सी की जो वैल्यू हो गई वो आपका है 2 - x, x हम निकाल चुके हैं, 2 - 2/3, आई थिंक 6 - 2/3 यानी कितना हुआ 4/3 फिट, ठीक है। तो बी सी आपका 4/3 फिट है। फिर पाइथागोरस को लगा के आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका बी डी हाइपोटेनस है, बी सी डी में, है ना। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना। तो आपका यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, है ना। सबका मेजर देख लीजिए, बी सी आपका वही है, निकाल चुके हैं हम लोगों ने, 4/3 फिट आया था 2 - x की वैल्यू, और सी डी आपका 4 फिट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4/3 का स्क्वायर, एंड ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16/9, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16, राइट। तो 16 आई थिंक कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/9 + 1, इसको आप ऐड करोगे तो 9 + 1 = 10/9, राइट। तो ये 16 × 10/9 किस में आएगा, फिट स्क्वायर में आएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो फिट स्क्वायर हो जाएगा। तो BD की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है हमारी, ठीक है, BD की जो वैल्यू आ रही है वो हो गया आपका रूट अंडर 16 × 10/9, है ना। तो 16 × 10/9 फिट में आ जाएगा ये, ठीक है। 16 की जगह 4, 9 की जगह 3, ये बेचारा रूट अंदर रह जाएगा। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, और थर्ड तो हम पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है, कि थर्ड का आंसर क्या था, थर्ड का आंसर लोगों ने पहले ही निकाल लिया था 2√2 फिट, है ना, ये वाला पूरे डायगोनल का आधा, ओके, ऑल द बेस्ट।